तो हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज फ्रैंकलिन की टीम आ गई है हराने के लिए किंग रॉलिंस की इस टीम को, जिसकी स्ट्रीक कोई भी तोड़ नहीं पा रहा है और इनकी स्ट्रीक आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन क्या आज फ्रैंकलिन की टीम में जो प्लेयर्स लगे हैं वो टक्कर दे पाएंगे किंग रॉलिंस की इस टीम को? क्योंकि किंग रॉलिंस तो शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं इनको कौन रोकेगा। हो सकता है फ्रैंकलिन रोक लें या फिर मुझे और कोई टीम बनानी पड़े। तो आओ इस टैग टीम मैच को चालू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या आज फ्रैंकलिन वो बनेंगे जो एंड करेंगे स्ट्रीक किंग रॉलिंस की। लेट्स गो। तो ये मैच इधर चालू होता हुआ और फिलहाल के लिए फ्रैंकलिन और सेथ रॉलिंस करेंगे इस मैच को चालू। और बता देता हूँ कि खतरनाक तरीके से जीतते हुए चली जा रही है किंग रॉलिंस की टीम, और ऑफ कोर्स एक स्ट्रीक कायम कर चुके हैं। अगर आज हारते हैं तो वो स्ट्रीक टूट सकती है, लेकिन अगर फिर जीत जाते हैं तो फिर स्ट्रीक कंटिन्यू ही रहेगी। अभी के लिए गजब का फ्रैंकलिन की तरफ से स्प्रिंग बोर्ड मूव आता हुआ। बात करी जाए फ्रैंकलिन की टीम में कौन कौन है, तो ऑफकोर्स स्पाइडरमैन है, डीन एम्ब्रोज है, और 7 नंबर की जर्सी में हमारे रोनाल्डो हैं। कोई भी कमेंट में मत लिखना थाला फॉर द रीज़न ऑफकोर्स। फिलहाल के लिए चलो जोक सपाट को असाइड करते हैं। और किंग रॉलिंस की टीम जिनकी स्ट्रीक चल रही है, आप उसकी टीम को तो अच्छे से जानते हैं। उनकी टीम में है फिन बेलोर, डेमिन प्रीस्ट और डीमिन क्रिस। तो फिलहाल के लिए फ्रैंकलिन अभी तो मार रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा दोनों ही रिवर्सल कर करके मार रहे हैं, तो दोनों का ही पल्ला अभी भारी है। और ये धूप वाला एरिना है, क्या आज किंग रॉलिंस की शाइन थोड़ी सी कम होगी या फिर धूप वाले अरीना में भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जीत जाएंगे, देखते हैं। खैर अभी के लिए फिनिशर सिग्नेचर इनके आने वाले। फ्रैंकलिन भी अच्छा लड़ रहे हैं, किंग रॉलिंस भी अच्छा लड़ रहे हैं। कभी फ्रैंकलिन मारते हैं तो कभी किंग रॉलिंस मारते हैं। अभी के लिए फ्रैंकलिन मार रहे हैं और पिनफॉल करने जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वन में किक आउट हो गया है, चलो ठीक है, रेफरी ने भी वन का सिग्नल दे दिया है। अभी के लिए वो पीछे से डिस्ट्रैक्शन, लेकिन फ्रैंकलिन फोर चौकन्ने, डेमिन प्रीस्ट के साइड भी डिस्ट्रैक्शन आता हुआ। दो दो लोग डिस्ट्रैक्शन करेंगे तो चौकन्ना रहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। फिलहाल के लिए फ्रैंकलिन अब क्या करेंगे? ओहो, किंग रॉलिंस कर रहे हैं अभी तो जो कर रहे हैं। फ्रैंकलिन कहाँ कुछ कर पा रहे हैं, अब रिवर्सल करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन को मारना है, डिस्ट्रैक्शन के बाद रिवर्सल कर नहीं पाए। टैग आने वाला है फिन बेलोर को, तो चलो टैग आ गया है, उधर से भी टैग आ गया है, स्पाइडरमैन को टैग आ गया है। फिलहाल के लिए स्पाइडरमैन ओके खदीकेन गाना मारेंगे, चलो ठीक है। स्पाइडरमैन यहाँ पे थोड़े से अलग अलग दिख रहे हैं, हो सकता है वो शाइन दिख रहा हो, पता नहीं कुछ ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। अभी के लिए स्पाइडरमैन सेथ रॉलिंस को मारने वाले थे, लेकिन फिन बेलोर ने बचा लिया। फिन बेलोर आप पीटे जाएंगे, लेकिन नहीं, फिन बेलोर भी नहीं पीटे गए। तो नॉर्मल मैच है ये, मैं पहले ही बता देता हूँ, तो रेफरी के रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो रेफरी मैच से बाहर निकाल देगा और एलिमिनेट कर देगा। कोई ज़्यादा पिट गया तो वैसे भी बाहर होना ही है। अभी के लिए स्पाइडर मैन थोड़ा सा अपने आप को बचाते हुए, लेकिन फिन बेलोर फिर से रिवर्सल करेंगे और एक और क्रॉस फेस लगाएंगे। क्या एक बार फिर से बचा पाएंगे स्पाइडर मैन अपने आप को? लेकिन हाँ ठीक है, बचा लिए थे। तो अभी के लिए स्पाइडर मैन थोड़ा सा ही लड़ रहे हैं, लेकिन क्या जीतने के लिए इतना काफ़ी होगा? कॉर्नर पे नहीं, ओके रुक से पास ले जा रहे हैं, नहीं एक कॉर्नर पे ले जा रहे थे, चलो ठीक है कॉर्नर पे ले गए। और अब स्पाइडरमैन क्या करने की सोच रहे हैं? एक बुलडॉग, ओके बुलडॉग मार दिया स्पाइडरमैन ने, चलो ठीक है बुलडॉग कनेक्ट, बुलडॉग कनेक्शन के बाद एक किक कनेक्ट, किक कनेक्शन के बाद क्या स्पाइडरमैन के पास फिनिशर आ गया है? अगर आ गया है सिग्नेचर फिनिशर में से कुछ तो देना चाहिए, लेकिन अभी के लिए कॉर्नर पे ले जाते हुए फिन बेलोर स्पाइडरमैन को, ओके एक एल्बो आती हुई, एल्बो के बाद ड्रॉप किक आती हुई, ड्रॉप किक के बाद एक ओके किक लगाई, ओके सॉरी हैंड लगाया, हैंड लगाने के बाद रिवर्सल, रिवर्सल के बाद एक एल्बो, एल्बो लगी नहीं, लेकिन स्पाइडरमैन का गजब का एक घुमा के किक कनेक्ट होता हुआ स्पाइडरमैन ने सेथ रॉलिंस को रोक लिया। फ्रैंकलिन भी आ रहे हैं अब रिंग में, ओके यहाँ पे थोड़ी गर्मा गर्मी बढ़ती हुई, मेरे ख्याल से नहीं लड़ना चाहिए वरना रेफरी काउंट करेगा। सेथ रॉलिंस को नीचे फेंक दिया गया, डीन एम्ब्रोस सेट से लड़ने के लिए जा रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए इधर मैंने जैसे ही एंगल मोड़ा, मैंने देखा कि डेमिन प्रीस्ट पीटे जा रहे हैं, फिन बेलोर रिंग के अंदर पीटे जा रहे हैं, उधर डीन एम्ब्रोस सेट को पीट रहे हैं। यहाँ पे रिंग में बहुत कुछ घटित होता हुआ और सेट और डीन को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। डीन एम्ब्रोस ने हार के मार दिया है, वहाँ पे डेमिन प्रीस्ट का स्टैंड खत्म हो गया है। वहाँ पे रिंग के अंदर स्पाइडरमैन और फिन बेलोर लड़ रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है इस रिंग के अंदर और रिंग के बाहर भी। खैर अभी के लिए डायमंड प्रीस्ट और मेरे ख्याल से पीछे पड़ने वाले हैं डीन के, नहीं डायमंड प्रीस्ट पीछे नहीं पड़ेंगे, डायमंड अच्छे हैं। डीन एम्ब्रोस को जल्दी से अब इधर आ जाना चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स वहाँ पे धूप पड़ने की वजह से ऑफ कोर्स छाया
शेडो पड़ने की वजह से डीन एम्ब्रोस दिखाई नहीं दे रहे। फिर अगले की स्पीयर आता हुआ और फिन बैलोर ऑफकोर्स थोड़ा सा कम बैक करते हुए, अभी के लिए डीन एम्ब्रोस अपने वापस से इलाके में आ चुके हैं, अब मैं मैच में वापस से फोकस कर सकता हूँ। और देखना ये है कि खैर सबसे पहले बात करता हूँ यार, शेडो कितनी अच्छी फॉर्म हो रही है। खैर पहले भी मैं बता चुका हूँ यहाँ वाले रिंग में बस शेडो अच्छी फॉर्म बहुत ज़्यादा होती है, बस अगर नीचे चले जाओगे तो हाँ कुछ लोग दिखाई नहीं देंगे, वो धूप का असर पड़ जाता है ना कभी कभार। फिलहाल के लिए गज़ब का टैग टीम मूव आता हुआ सेथ रॉलिंस और फिन बैलोर की तरफ से। अभी के लिए स्पाइडरमैन मेरे ख्याल से टैग देना चाहिए, नहीं स्पाइडरमैन अब अकेले तो तुम नहीं कर सकते हो बहुत कुछ, अकेले ना करो, मैं कह रहा हूँ टैग वैग दे दो। अभी के लिए एक पंच लगाया, पंच के बाद स्प्रिंग बोल्ड, ओके गोल गोल रानी, कितना कितना पानी आता हुआ। फिलहाल के लिए बड़े दिनों बाद ये मूव किया है स्पाइडरमैन ने और ऑफ कोर्स अब के टैग देने जा रहे हैं। क्या रोनाल्डो कुछ टैग देंगे? ओके नहीं, टैग देने जा रहे थे, फ्रैंकली नीचे उतर गए तो रोनाल्डो को ही टैग देना पड़ा। एक टैग टीम मूव देखने को मिलने वाला है और टैग टीम मूव में डबल शोल्डर टैकल करने का। अब देखते हैं हमारे CR7 क्या करते हैं, यानी कि थाला फॉर द रीज़न, 7 नंबर इसका भी होता है, उसको हम यही कहते हैं थाला फॉर द रीज़न। खैर अभी के लिए रोनाल्डो क्या करेंगे, फिलहाल के लिए गजब के स्प्रिंग बोल्ड मूव करते हुए टैग आ गया उछल के, और मेरे ख्याल से डेमियन प्रिस्ट को टैग नहीं दिया, डेमियन प्रिस्ट कैसे अंदर आ गया, चलो रेफरी की मर्जी, रेफरी जो कहता है वही मानना पड़ता है। अभी के लिए वहाँ पे डेमियन प्रिस्ट ने अपना गजब का मूव दिखाया, ऊपर से करेंगे फ्लाई, मैं कह रहा हूँ उधर मत लड़ो वरना ऑफकोर्स धूप पड़ रही है उधर, मुझे थोड़ा ज़्यादा कैमरा पास मिल जाना पड़ेगा अगर इन दोनों को दिखाना है। फिलहाल के लिए नीचे मत लड़ो, काउंट चल रहा है, नॉर्मल मैच है आज। अभी के लिए चलो रोनाल्डो वापस से पीटे जा रहे हैं, डेमियन प्रिस्ट को थोड़ा सोचना चाहिए कि रिंग के अंदर जाओ एक क्रॉस रोड नीचे ही लगाते हुए, और मेरे ख्याल से कहीं स्पाइडरमैन नहीं सॉरी टैग पड़ चुका है, रोनाल्डो बाहर ना हो जाए। रोनाल्डो बाहर तो नहीं हुए, 6 काउंट हो गए हैं, वापस से अंदर आ रहे हैं। आ जाओ डेमियन, तुम भी आ जाओ डेमियन, जल्दी से आ जाओ जिससे कि रोनाल्डो तुमसे लड़ सके। और अभी के लिए टैग डेमियन प्रिस्ट को आ गया है, चलो ठीक है। आज भी मुझे नहीं लगता कि किंग रॉलिंस की स्ट्रीक टूटने वाली है, गजब का नी स्ट्राइक, नी स्ट्राइक आया लेकिन डेमियन प्रिस्ट तुरंत खड़े हो गए, और इसके बाद एक सुपर किक कनेक्ट, चलो ठीक है। इसके बाद भी डेमियन प्रिस्ट खड़े हो रहे हैं, और मुझे नहीं पता अगर डेमियन प्रिस्ट इस मूव के बाद खड़े हो रहे हैं तो किस मूव से नीचे गिरे रहेंगे लंबे समय के लिए। अभी के लिए फिर से रिवर्सल कर दिया, रिवर्सल के बाद डेमियन प्रिस्ट अपना फिनिशर लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। अभी के लिए तो चलो रिवर्सल कर दिया रोनाल्डो ने फिर से, रिवर्सल के बाद एक स्प्रिंग बोल्ड एल्बो उड़ता हुआ, चलो ठीक है। और क्या मेरे ख्याल से CR7 के पास उनका फिनिशर आ गया है, तो देना चाहिए गजब का एल्बो, एल्बो के बाद फिनिशर लगाने की सख्त दरकार मेरे ख्याल से लगाना चाहिए। गजब का पैर पे हमला भी आता हुआ, फंसा के पिनफॉल, ठीक है, रेफरी पिनफॉल करने से मना कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, रेफरी ऐसा कभी कभार करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों करता है लेकिन करता है। रोनाल्डो तो खड़े हो गए और रोलिंग थंडर स्टनर, और यही इनका फिनिशर था, फिनिशर लगा दिया डेमियन क्या, नहीं अभी नहीं, फिलहाल के लिए फिन बैलर बचाने के लिए आ गए, अब फिन बैलर को चले जाना चाहिए, वहाँ पे टैग आने वाला है, फ्रैंकलिन वापस अंदर आएंगे, फ्रैंकलिन के पास सिग्नेचर है, फिनिशर जल्दी से बुलाएंगे, फ्रैंकलिन के स्पीयर लगाएंगे, टीम इनके इस बार हुए नहीं है आज, मुझे ऐसा लग रहा है ये टीम थोड़ी सी भारी पड़ेगी। डेमियन ऑफकोर्स डेमियन प्रिस्ट को बचा लिया, डेमियन प्रिस्ट ने एक स्प्रिंग बोल्ड मूव आएगा, अरे रे खतरनाक, चलो ठीक है। अभी के लिए लेट्स सी कि डेमियन प्रिस्ट अब क्या करेंगे, इतना तो पिट चुके हैं, डेमियन प्रिस्ट को भी अब कुछ करना चाहिए। फ्रैंकलिन फिर से रिवर्सल करेंगे, रिवर्सल के बाद रोप पे ढकेलेंगे, रोप पे ढकेलने के बाद एक गजब की स्ट्राइक और एक किक लगाएंगे, और इसके बाद सेथ रॉलिंस को टैग, ओके फ्रैंकलिन ऊपर से कोई हाई फ्लाई मूव करने जा रहे थे, बच गए, एक स्पीयर, और सेथ रॉलिंस ने अपना स्पीयर जल्दी से बुलाया ही इसीलिए था कि वो जल्दी से लगा सके, 1-2 और किक आउट आता हुआ, चलो फ्रैंकलिन बच गए, फ्रैंकलिन कभी भी बाहर हो सकते हैं, किंग रॉलिंस कभी भी बाहर हो सकते हैं, देखते हैं पहले बाहर कौन होगा, और जो बाहर होता है आप जानते हैं उसी की टीम का दबदबा भी फिर ऑफकोर्स कम हो जाता है, कोई बात नहीं, देखते हैं किसकी टीम से बाहर होगा और किसका दबदबा कम होगा। अभी के लिए यहाँ पे किंग रॉलिंस आज बाहर हो गए हैं, और अब फिन बैलोर अंदर आ गए हैं, लीगल हैं, और एक एल्बो देने की नाकाम कोशिश आज लग रहा है, फ्रैंकलिन की टीम बाजी मारेगी और स्ट्रीक तोड़ देगी। फिलहाल के लिए ओके बचे एक पीछे से एल्बो, और यहाँ पे फ्रैंकलिन रूल करते हुए इस रिंग के अंदर, तो क्या आज फ्रैंकलिन की टीम हरा देगी किंग रॉलिंस की टीम को। अभी के लिए टैग देने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा, टैग दे पाएंगे या नहीं, टैग दे दिया, स्पाइडरमैन अंदर आएंगे, एक और टैग टीम मूव,
और बूम गजब का पंच। और मुझे लगता है उस रिवर्सल के बाद फिन बैलोर भी कुछ कर सकते हैं। फिन बैलोर देने जा रहे थे अपना फिनिशर, लेकिन स्पाइडरमैन उछल कूद करते हुए बच गए और स्पाइडरमैन अब पीटे जा रहे हैं। खैर, लेकिन रोनाल्डो भी डिस्ट्रैक्शन करने वाले थे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन हुआ नहीं। फिर से टैग, इतनी जल्दी टैग देने जा रहे हैं वापस से फ्रैंकलिन को। वापस से टैग टीम वही सेम देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, अभी के लिए फिर से पंच के बाद है। ओके, खतरनाक एल्बो के बाद एक स्पीयर आ सकता है, एक स्पीयर आएगा। फिन बैलोर का भी टाका करेंगे और अब मुझे लगता है कि फ्रैंकलिन ने दबदबा बना लिया है। लेकिन फ्रैंकलिन भी कभी भी बाहर हो सकते हैं। डेविन प्रिंस अभी ज़्यादा पिटे नहीं है, तो ऑफकोर्स डेविन प्रिंस कुछ कर सकते हैं इस मैच में। देखते क्या करेंगे। डायमंड प्लीज स्पीयर देने जा रहे थे लगता है, लेकिन स्पीयर देने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही स्पीयर लगा सकते हैं। थोड़ा सा रुको, उसके बाद स्पीयर लगाओ। फिलहाल के लिए नीचे गिरेंगे क्या? नहीं, बच गए और अब नीचे गिरेंगे। चलो ठीक है, अब नीचे भी गिर गए। वहाँ पर स्पाइडरमैन कहाँ जा रहे हो? स्पाइडरमैन कहीं मत जाओ, मैं इधर ही। ओके, वापस से ऊपर चले गए। मुझे लगा था मैं नीचे वाला एंगल ही दिखाऊँ, लेकिन डायमंड प्लीज तुरंत होश में आके तुरंत ऊपर आ गए रिंग में। और अभी के लिए गजब का पंच, खून निकला है फ्रैंकलिन का। फ्रैंकलिन कभी भी बाहर हो सकते हैं, स्पीयर देने की सख्त दरकार। और अब स्पीयर आने वाला है और डेमियन प्रीस्ट ये स्पीयर लगाएंगे। फ्रैंकलिन ने करा रिवर्स और फ्रैंकलिन कह रहे हैं आज एक नहीं चलने देंगे किंग रॉयल्स की टीम की। और ऑफकोर्स आज स्ट्रीक खत्म होने का समय आ गया है। एक स्पीयर, फ्रैंकलिन बाहर हुए नहीं अभी, लेकिन फ्रैंकलिन अभी बच गए। एक और स्पीयर लगाने की सख्त दरकार है। अगर एक और स्पीयर फ्रैंकलिन को लगता है तो पक्का बाहर हो जाएंगे ऑफकोर्स। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा टीम को एकजुट करना पड़ेगा। डीमन क्रिस पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वैसे भी स्टंड है डीन एम्ब्रोज और मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए अपने। ओके, टीम पूरी डिस्ट्रैक्टेड है, पता नहीं फ्रैंकलिन कैसे ही टैग देंगे। यहाँ पे डीमन क्रिस रिंग के अंदर वापस से आ गए और चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे टैग दी जा सकती है। लेकिन कॉर्नर पे पनिश करते हुए डायमंड प्रीस्ट को और प्रीस्ट का हाथ खसीटते हुए, ठीक है, प्रीस्ट स्टंड हो गए। अब टैग दी जा सकती है, रोनाल्डो वापस से अंदर आएंगे और एक बार फिर से वही टैक्सी मूव। चलो ठीक है, टैक्सी मूव तो सही है, लेकिन अब क्या रोनाल्डो को बाहर करा जा सकता है? स्पीयर लगाने की सख्त दरकार है। डायमंड प्रीस्ट के पास उनका फिनिशर है, सिग्नेचर है, लगाने की दरकार है बस। कब लगाएंगे? जल्दी लगाते हैं तो फ़ायदा होगा, नहीं लगाएंगे तो नुकसान ही नुकसान। फिलहाल एक स्पीयर देने जा रहे हैं। चलो ठीक है, रोनाल्डो क्या बाहर होंगे? क्या रोनाल्डो रिवर्स कर देंगे? वो तो रोनाल्डो के ऊपर है। एक स्पीयर इनकमिंग और रोनाल्डो अभी बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन जल्दी बाहर होंगे। एक और स्पीयर, अब तो बाहर है भाई, दो स्पीयर लगातार, मतलब कहानी ओवर, एंड नज़दीक है रोनाल्डो का। और रोनाल्डो गए नहीं, गए अभी भी। ओके, अभी बॉडी से ऑरेंज हुई है, मे भी इसलिए नहीं गए। ठीक है, चलो, दो स्पीयर के बाद कोई एलिमिनेट ना हो इसका मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वो कह रहा है मुझे और पनिश करो। चलो एक और स्पीयर और रोनाल्डो बाहर, अब तो पक्की बात है। ओ गजब का ये कट लगाते हुए अभी मैंने, ओ टैग आने वाले उस तरफ से भी। क्या डीमन क्रिस टैग देने देंगे? डीन एम्ब्रोस को रेंगते हुए टैग देने जा रहे थे, लेकिन डीमन क्रिस ने बीच रास्ते में रोक के अभी बूम फेस फर्स्ट कर दिया है। फेस फर्स्ट के बाद रोनाल्डो कभी भी बाहर हो जाएंगे। एक स्पीयर देने वाले हैं अब डीमन क्रिस भी। ऑफकोर्स ये मॉड प्लेयर्स हैं तो सभी स्पीयर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी के लिए एक और स्पीयर रोनाल्डो का टाटा, अभी भी कैसे नहीं हुआ मेरे समझ नहीं आ रहा। लेकिन 1, 2 और 3, नो रेजुलेशन आ गया। चलो ठीक है, और फ्रैंकलिन को मारने की क्या जरूरत थी यार, फ्रैंकलिन को फालतू में मार दिया, कोई बात नहीं। अभी के लिए एक सुप्लेक्स और रोनाल्डो पता नहीं कैसे बाहर नहीं जा रहे। ये रोनाल्डो तो बिल्कुल ऐसा खेल रहे जैसे कि इनका आखिरी बार हो, इसके बाद इनका ऑफकोर्स रिटायरमेंट हो। भाई रिटायरमेंट नहीं है रोनाल्डो, ऐसा मत खेलो, बाहर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए डोमिनेटर, इसके बाद भी बाहर नहीं है, पिनफॉल हो जाएगा, कोई बचाने नहीं आया। 1, 2, 3, नहीं हुआ 3। अरे रे रोनाल्डो सच्ची में ऐसे ही खेल रहे हैं जैसे रिटायरमेंट हो उनका। अरे नहीं रोनाल्डो, अभी और खेलने हैं तुम्हें मेरे लिए। वापस से टैग डीन एम्ब्रोस को, क्या दे पाएंगे? बिल्कुल, डीन आ गए अंदर। डीन डल्टी डीट्स लगा दो। हाँ, डल्टी डीट्स होने वाला है, करेक्ट। और यहाँ पे आज मुझे लगता है वो डल्टी डीट्स रिवर्स कर दिया, मुझे लगा डैमिन बाहर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, डल्टी डीट्स लग गया है, मतलब डल्टी डीट्स रिवर्स हो गया है, सॉरी लगा नहीं, लगने वाला था। एक बैक ब्रेकर आता हुआ डीन एम्ब्रोस, क्या बाहर हो सकते हैं? डीमन क्रिस को वापस अटैक मिलेगा, यही दोनों बचे हैं किंग रॉयल्स की टीम से। अगर बाहर हो गए तो ऑफकोर्स आज स्ट्रीक खत्म। फिलहाल के रोनाल्डो की टफनेस देख के मैं कह रहा हूँ भाई, इतने टफ कैसे हैं रोनाल्डो? दो स्पीयर खा चुके हैं,
सॉरी धोनी तीन स्पीयर खा चुके हैं, रेजिडेंट चला गया है, उसके बाद भी मैच में टिके हुए हैं। तो भाई साहब मान गया मैं रोनाल्डो को, अभी के लिए फ्रैंकलिन को भी मानना पड़ेगा क्योंकि उनकी भी बॉडी पूरी लाल है लेकिन वो भी टिके हुए हैं। और अब डीन एम्ब्रोस आए हैं जो कि ऑफकोर्स ज़्यादा लड़े ही नहीं है तो उनकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी हेल्थ भी नॉर्मल है। और डीन एम्ब्रोस तो यहाँ पे मेरे ख्याल से रूल करने आए रिंग के अंदर, क्योंकि देख रहे हो ना कैसे पीट रहे हैं, आज स्ट्रीक खतरे में। फिलहाल के लिए एक रोलिंग, ओ हो रोलिंग सबका फेस फर्स्ट दिया है, या फिर कह लो कोर्ट ब्रेकर, रोलिंग कोर्ट ब्रेकर। ओके फिलहाल के लिए बूम एक सुप्लेक्स। डीन एम्ब्रोस कह रहे हैं कि बस आज मैं कहानी खत्म करूंगा, मुझे नहीं मतलब कैसे लेकिन मैं ख़त्म करूंगा। और डीन एम्ब्रोस अब कॉर्नर पे नहीं टैग देने के लिए ले जा रहे हैं, चलो ठीक है टैग दे दो डीन। और ओके स्पाइडरमैन नीचे क्यों उतर गए, टैग दे रहे थे डीन एम्ब्रोस। चलो फेस फर्स्ट हो गया, फेस फर्स्ट के बाद डीन एम्ब्रोस अब क्या करेंगे, एक बुलडॉग। ओके नाइस बुलडॉग कनेक्ट, डीमन क्रिस्ट का डाटा बस बचे हैं, वो डर्टी डीड फिर रिवर्स करिए, बस बचे हैं डायमंड प्रीस्ट। और प्रीस्ट पता नहीं अकेले क्या करेंगे, आज स्ट्रीक टूटेगी। और ऑफकोर्स फ्रैंकलिन ने स्ट्रीक तोड़ी है, फ्रैंकलिन बदनाम है स्ट्रीक तोड़ने के लिए, मैं पहले ही बता दूं 2K23 में भी जायंट की स्ट्रीक तोड़ी थी फ्रैंकलिन ने ही, तो फ्रैंकलिन बदनाम है स्ट्रीक तोड़ने के लिए। और अभी बच गई स्ट्रीक, डायमंड प्रीस्ट अभी के लिए बच गए, देखते हैं क्या होगा। 1-2 और की कट आता हुआ, क्या एक भी प्लेयर बाहर होने वाले हैं फ्रैंकलिन की टीम से, मुझे नहीं लगता बाहर होने वाला है। अगर रोनाल्डो को टैग दे दो तो शायद रोनाल्डो बाहर हो जाए। खैर अभी के लिए वापस से टैग, एक्टिव मूव देखने को मिलेगा, रोनाल्डो अंदर आएंगे क्या, नहीं। अभी के लिए कॉर्नर पे किक, कॉर्नर पे किक भी लग गई है, अब डेविन प्रीस्ट को कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे डोमिनेट करते हुए फ्रैंकलिन, और फ्रैंकलिन के टीम पार्टनर भी डोमिनेट कर रहे हैं, कहना पड़ेगा आज तो ज़्यादा ही अच्छा खेले हैं। बस डीन एम्ब्रोस की थोड़ी सी किस्मत ख़राब है, दो डर्टी डीड्स रिवर्स हो गई, इसलिए 1 में ही किक आउट कर दिया है डेमियन प्रीस्ट ने। और अभी के लिए डेमियन प्रीस्ट क्या करने वाले हैं, ये आखिरी बच्चे हैं अपनी टीम से, अगर बाहर हो जाते हैं तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। खैर ओके, और एक सबका किक देते हुए फ्रैंकलिन आज पूरे गेम में डोमिनेट करते गए हैं, और मुझे लगता है अब ये मैच ख़त्म ही है, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट भी कितनी देर सर्वाइव कर लेंगे चार प्लेयर के सामने। ओके अभी के लिए एक स्पीयर आता हुआ, डेमियन प्रीस्ट बाहर कैसे नहीं हुए, चलो जो रोनाल्डो ने करा वो डेमियन प्रीस्ट कर रहे हैं, सारे फिनिशर झेल रहे हैं और बाहर नहीं हो रहे हैं, किक आउट कर दिया है। डेमियन प्रीस्ट को भी अपने फिनिशर लगाने पड़ेंगे, कम से कम फ्रैंकलिन को तो बाहर करना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होगा। डीन एम्ब्रोस को वापस से टैग, डीन अंदर आएंगे, क्या डीन बाहर जा सकते हैं, डीन आए और डीन ने गज सबका क्लोज लाइन लगाया है। डीन एम्ब्रोस अब मेरे ख्याल से खिलवाड़ कर रहे हैं डेमियन प्रीस्ट के साथ, डर्टी डीड्स मारो मेरे भाई, ख़त्म करो फिलहाल के लिए। चलो अभी के लिए कॉर्नर पे ले जा रहे हैं क्या, नहीं मैं समझ गया भाई, एल्बो देने जा रहे हैं डीन एम्ब्रोस का, एल्बो रिवर्स कर दिया डीन, क्या किस्मत ही ख़राब है, सब मूव रिवर्स हो रहे हैं, बस एक बुलडॉग मार पाए थे बेचारे, उसके बाद से सारे मूव रिवर्सल हो रहे, स्पाइडरमैन आ गए हैं अब डोमिनेट करने के लिए। डायमन प्रीस्ट पे सब डोमिनेट क्यों कर रहे हैं पता नहीं। अभी के लिए कॉर्नर पे रिवर्स स्पीयर लगाना चाहिए, स्पीयर नहीं लगाया अभी के लिए तो नहीं लगाया, लेकिन देखते हैं कब तक रुके, रोक के रखेंगे अपने आप को, जल्दी से लगाना चाहिए स्पीयर, पता नहीं क्यों नहीं लगा रहे। ओके खतरनाक, ओहो कटर आएगा, चंडोंग मिलीनियर आएगा, एक भी टीम प्लेयर फ्रैंकलिन की टीम से बाहर नहीं हुआ, गर्दा उड़ा दिया, स्ट्रीक ख़त्म कर दी फ्रैंकलिन बदनाम है स्ट्रीक ख़त्म करने के लिए। और ये वीडियो भी खैर इधर ख़त्म होता है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग का शेयर भी करना। तब तक के लिए मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।